अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेल करने जा रहे हैं यूरो यूएसडी के अंदर। तो यूरो यूएसडी के अंदर सेल करने का क्या पर्पस है वो हम आपको बताएंगे। पहले हम सेल करते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि रीज़न क्या है सेल करने का। तो चलिए हम आपको आगे जाके दिखाते हैं। अभी एक और सेल करते हैं। सो ये हमने सेल कर लिया, अब हम आपको दिखाएंगे। ये अभी तो लॉस में चल रहा है फ़िलहाल, लेकिन हम चार्ट पे आपको दिखाएंगे कि हमारा क्या रीज़न था हमने सेल किया है यूरो यूएसडी के अंदर। तो चलिए चार्ट के ऊपर, अच्छा चार्ट के ऊपर आ चुके हैं, तो अभी हम शेप ड्रॉ करके दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे एक कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल का नाम है ट्विजर टॉप। ट्विजर टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न, ये ऊपर बना हुआ है H4 टाइम फ्रेम के अंदर, और इसके बाद हमने किया है सेल। अगर इस तरह की कैंडल आपको मिलती है तो मार्केट डाउन जाती है, तो इसलिए हमने सेल किया हुआ है। चलिए हम आपको टाइम चेंज करके दिखाएंगे भी, और अभी देख रहे हैं हल्का सा प्रॉफिट में जा रहा है। तो चलिए हम आपको टाइम चेंज करके दिखाते हैं। BH1 में चेक करते हैं, उसके बाद M15 में चेक करेंगे, और उसके बाद हम M5 में चेक करेंगे। अभी M5 में चेक करते हैं। अच्छा ये आप देख सकते हैं, अभी तो ऐसे से जा रही है, इधर भी एक बनी हुई है, डाउनवर्ड जा रही है, और ये एक डाउन डायरेक्शन वाला ट्रेंड था। तो आप देख सकते हैं कि M5 में जाएंगे, M5 में अभी देख सकते हैं अभी मार्केट तो नॉर्मल ही है, डाउन की तरफ नहीं जा रही है। बहरहाल आप ऑसम ऑस्किलेटर देख सकते हैं कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद आप M1 में चेक करेंगे, तो यहाँ भी मार्केट हल्की हल्की से नीचे आ रही है। सो गाइस, हमने जो डिसीजन लिया था उस पर मार्केट जो है प्रॉपर उतरी है। तो मार्केट जो हमने कहा था कि ट्विजर कैंडल स्टिक बनने के बाद मार्केट डाउनवर्ड आई है, उसके बाद हमने नीचे जाके सेल किया था, और अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट किस तरह से नीचे आई है। जो हमने कैंडल फाइंड किया था वो H4 टाइम फ्रेम के ऊपर हमने ट्विजर कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो फाइंड किया था। अच्छा, जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न है वो आपको यानी कि अच्छे टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिखेंगे। H1 हो गया, H4 हो गया, और M30 भी सही है, लेकिन ज़्यादातर H1 H4 के अंदर अच्छे कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं। तो आप ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप ज़रूर प्रॉफिट कमा सकते हैं फॉरेक्स मार्केट से। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो हमारा प्लान बन रहा है अभी कि हम अपने ऑर्डर को क्लोज़ करें, लेकिन हम कुछ देर वेट करते हैं, उसके बाद हम अपने ऑर्डर को क्लोज़ करते हैं। ये एक नई कैंडल बन गई है, इसके बाद ये देखो कैंडल नीचे आ गई है। हमारा जो टारगेट है कि 20 तक जिस तरह जाएगी तो हम इसको क्लोज़ कर देंगे। तो जिस तरह ये 20 पे जाती है हम इसको क्लोज़ करेंगे, $20 पे, ठीक है। ये एक समझो कि यहाँ पे $20 ही बन रहे हैं, तो हमारा आज का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है। तो ये नीचे चली गई है, तो 20 तक पहुँच गई। अभी हम अपने ऑर्डर को क्लोज़ करते हैं। तो चलिए क्लोज़ करते हैं ऑर्डर को। If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of bacon. So guys, agar video hamari pasand aaye तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।